अभी कोकोनट रोड के बाद मैं सोच रहा था किधर जाऊं, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक था ओल्ड गोवा और दूसरा था एक यहाँ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ गोवा। तो मेरे को वो म्यूज़ियम नज़दीक लग रहा है, यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर दूर है, तो अभी जा रहे हैं म्यूज़ियम। अगर मैं ओल्ड गोवा जाता तो आज काफ़ी नहीं है उधर घूमने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो पूरा दिन थे। सो अभी चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ और दिखाते हैं, देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। चलो सो फाइनली म्यूज़ियम तो आ चुके हैं, बट होप तो यहाँ पे वीडियो निकालने दे, अगर वीडियो नहीं निकालने देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं हेलमेट रखता हूँ गाड़ी में और अंदर जाके पूछता हूँ क्या है क्या नहीं है। उसको रखते आपको दिखा, आ गया वो म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पे आने का टिकट्स है जो 200 पर पर्सन है और छोटे लोग का 100 रुपीज़ है। सो यहाँ पे कुछ 3 फ्लोर का म्यूज़ियम है और बहुत कुछ है, चलो आपको दिखाता सब कुछ। पेंटिंग है, काफ़ी बड़ी पेंटिंग है और यहाँ पे जो साउंड बज रहा है बहुत बहुत पीसफुल वाला साउंड है। आप देख सकते हैं ब्लॉक कितना अच्छा क्रिएट किया है। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से, तो चलिए। यहाँ पे जितने भी सब चीज़ें रखी हुई है उनके बारे में जैसे लिखा हुआ भी है, हम इन्हें टच तो नहीं कर सकते बट ये तो देख सकते हैं। जो सिक्का जो होता है बड़ी वाली सिक्का जिसको स्टैंड करते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है इसमें, देख ही सकते हो यार, बहुत बारीकी से। देख सकते हैं कितना बारीकी से क्रिएट किया हुआ है।
बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, सही है, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े मिर्ची कभी। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री की बात है, परशुराम जो गॉड थे परशुराम, उन्होंने एक एरो चलाया था जिस कारण से एक गोवा लैंड आइलैंड है जो बना, वो यहाँ पे दिखा हुआ है। लाइक मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो था परशुराम के बारे में कि उन्होंने एक एरो छोड़ दिया था जिसके वजह से वो यहाँ आके गिरा था और गोवा बन गया। मतलब तब से उसको गोवा जानते हैं ऐसे कुछ। और हम अभी जा रहे हैं आर्ट गैलरी, सीढ़ियों पर ध्यान दो। ओके सो मैं हूँ अभी यहाँ पे आर्ट गैलरी पे। मैं एक एक चीज़ करके तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट मैं सब चीज़ दिखा रहा हूँ आर्ट में क्या क्या है यहाँ पे। और चलो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं, ये प्लेट्स हैं काफ़ी पुराने पुराने, ये भी प्लेट है। तो गाइस यही था म्यूज़ियम जो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब था, और अभी जाके देख भी लिया। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं और बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, अच्छी पेंटिंग्स है, और क्या ही बताऊँ, सब कुछ अच्छा है। सो अभी ये हो गया ऊपर सेकंड फ्लोर, यहीं पे तक, यहीं तक था जो था। अभी जाते हैं थोड़ा नीचे, और नीचे भी कुछ चीज़ें हैं लाइक जिसे बोला उन्होंने कि है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बाद भी। तो चलो
अभी जा रहे हैं इधर के कैफेटेरिया में, देखते हैं क्या है यहाँ पे, अमेजिंग चीज़ें हैं इसी जगह से। ये कैफेटेरिया है और बाकी हम लोग सब लोग का एक एक फोटो लेंगे, ठीक है? और ये यहाँ का गार्डन एरिया है, देखते हैं यहाँ पे पेंटिंग भी करना है कुछ अलाव, तो देखते हैं क्या चीज़ है। पहले देखो सब फोटो ले। तो आप जो ये चीज़ें देख रहे हो ये डेकोरेट है, लाइक ये कुछ नहीं बस प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, इनको कट करके ऐसा ऐसा किया है पूरी जगह। और ये जो बड़ा सा ओशन देख रहे हैं इसमें बस प्लास्टिक ही है पूरा और कुछ नहीं, और मछली पकड़ने वाले ज़्यादा हैं ऑल टोटल है। हाँ, काफ़ी अच्छा रहा म्यूज़ियम का टूर, बहुत सारी चीज़ें देखें। तो अभी निकलते हैं घर की ओर, सुबह से घूम रहे हैं और आज बीच में तो नहीं गया, बस कुछ जहाँ कुछ जगह ही थी जो मैंने चूज़ किया वहाँ वहाँ गया, लाइक कोकोनट रोड और फिर म्यूज़ियम। लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी, 10 से 15 किलोमीटर का ऐसा कुछ अंतर है। तो अभी रिटर्न चलते हैं रूम, और आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।